हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी ने जो महिला का जो 33% जो आरक्षण देने का काम किया है, और ये आरक्षण जो है का हम समर्थन करते हैं। आरक्षण पहले भी हो सकता था ना, आरक्षण महिला जो इतना पीछे रही उसको जो आरक्षण नहीं मिलने के कारण महिला जो है कि नहीं आगे बढ़ पाई, तो यह काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन यह चुनाव आने के करीब है तब आरक्षण दिया। पूरे देश में जो एक जुट करने का काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इससे बीजेपी का जो नेता है उसको जो है घबराहट हो गया है। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर बिल पास किया है, और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जदयू विधायक बीमा भारती, उन्हीं से जानते हैं कि आप महिलाओं के समर्थन में हैं या मोदी के समर्थन में हैं। चलिए, सबसे पहले तो लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। जो हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी ने जो महिला का जो 33% जो आरक्षण देने का काम किया है, और ये आरक्षण जो है का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि महिला का आरक्षण देने का काम किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन महिला के लिए समर्थन करेंगे, मोदी को नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने भी आरक्षण यहाँ पर जो है कि महिला को देने का काम किया है बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी अभी आरक्षण दिए, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो कहीं नहीं दे रहे, इसीलिए तो दिया है ना, पहले भी हो सकता था यह काम। अच्छा। चुनाव करीब आने के बाद क्यों दिया, यह आरक्षण पहले भी हो सकता था ना, आरक्षण महिला जो इतना पीछे रही उसको जो आरक्षण नहीं मिलने के कारण महिला जो है कि नहीं आगे बढ़ पाई, तो यह काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन यह चुनाव आने के करीब है तब आरक्षण दिया। कई लोग, यह तो दुखनीय है, कई लोग कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए के संपर्क में तो बने हुए नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है महागठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है, और मजबूती के साथ बिहार में चुनाव जो 2024 में होगा उसमें भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और महागठबंधन का जो मजबूती जो देख रहे हैं पूरे देश में जो एक जुट करने का काम किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इससे बीजेपी का जो नेता है उसको जो है घबराहट हो गया है कि क्या होगा, इसलिए कि 2025 में उसको देखने के लिए मिलेगा कि रिजल्ट क्या मिलेगा बिहार से, पूरे देश से भी। अब ऐसा एक चीज़ बता दीजिए कि आप लगातार 4 बार से विधायक हैं, 5 बार से विधायक हैं, और अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में ऐसा कौन सा ऐसा काम कर दिए कि लोग आजीवन भी आपकी याद में रहेंगे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से जो है कि मेरे क्षेत्र में अनेकों दर्जनों काम हुआ है जो कि हम गिनती नहीं गिना सकते हैं। कई बार हम आपके चैनल के माध्यम से और सबके चैनल के माध्यम से हम बताने का काम किए हैं कि हमारे रुपौली का जनता जिस तरह से उम्मीद किया है, जिस तरह से जिता रहे हैं लगातार, और उम्मीद करते हैं कि फिर जो रुपौली का जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं, हमारे सारे परिवार जनता का सेवा में लगे रहते हैं, और विकास में तो जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तो हमने विकास का गंगा बहाए हैं, सभी जगह विकास हुआ है, पूरे बिहार में हुआ है, हमारे रुपौली में भी विकास हुआ है, जो बचा हुआ है वो भी मेरा प्रयास है कि वो भी हम करें, उसमें भी हम लगे हुए, कई जगह पुल नहीं बना है तो लोग का शिकायत है, वहाँ भी पुल बनेंगे, सड़क है जो कि एक दो जगह सड़क का मांग है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके सड़क भी देने का काम किया, जिसका आपके टेंडर भी होगा उसका भी, तो हमको नहीं लगता है कि रुपौली में ऐसा काम बचा है कि जो कि नहीं हुआ। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए हो गया, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू किया गया। बिल्कुल, काम शुरू जो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, बहुत दिन से लगे हुए हैं एयरपोर्ट के लिए, केंद्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखने का काम किया, मिलने का काम किया, कई मंत्री को भेजने का काम किया कि बात करिए,
और बात करने के बाद जो है कि इधर जो है कि हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास से जो है चुनावपुर का जो एयरपोर्ट जो बनेंगे यह माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से बनने जा रहा है और किसी का उसमें नहीं है। और जल्दी ही वहाँ पर जो है कि एयरपोर्ट का निर्माण होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए, जमीन का भी हो ही गया है तो काम होगा वहाँ पर। लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है और बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनना 100% है, इसको कहाँ तक आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, लोग जो है आप जो है जो बीजेपी का जो पार्टी है यह झूठा पार्टी है और सभी लोग समझ रहे हैं और कितना तक जुटला सकते हैं सभी लोग को, जुमला में कितना दिन तक रख सकते हैं। और जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किए किसी वादा पर वह जो है कायम नहीं रहे, कहीं नहीं रहे। कितना बार जो है कि कहे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवा को, 15 लाख रुपया जो है कि हर गरीब के खाता में जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं हुआ। सभी लोग परेशान हैं, आप देखिए कि महिला के खास करके कितनी परेशान है। जो महिला जलावन पर खाना बनाती थी धुआं से जो है कि बीमार हो जाती थी, तो लोग को लगा कि मोदी जी ने जो है ना फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो सबको लिए। इसके बाद क्या हुआ परिणाम, एकदम इतना भाव बढ़ा दिया कि 1200 गैस सिलेंडर 1300 गैस सिलेंडर का हो गया। लोग गरीब लोग कहाँ से सिलेंडर पर खाना बना सकते, जो कि 100 रुपया 200 रुपया मजदूरी कमाते हैं वो 1000-2000 जो है कि 1200 रुपया कहाँ से सिलेंडर भरवा सकते हैं। मतलब बीजेपी की सरकार केंद्र से बिहार को कहीं से कोई फायदा नहीं, कहीं फायदा नहीं है, केंद्र में गई है। बिहार में आप कितने प्रतिशत मानते हैं कि बिहार को फायदा हुआ, कौन कीजिए? देखिए बीजेपी का सरकार जब केंद्र में बना है तब से बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि विकास हुआ। देखिए केंद्र सरकार तो लंबी लंबी वादा किए थे कि बिहार में जो है कि बड़े बड़े फैक्ट्री आएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है हमारे बिहार सरकार ही कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं कर रहे हैं। पुल पुलिया सड़कें जो बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री का कहाँ है कुछ है? वो उसका जहाँ बिहार के प्रति जहाँ श्रद्धा रहता तो बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते यहाँ पर आकर के, ताकि जो गरीब लोग पलायन करते हैं बाहर तो वो रुकता, बिहार में रोजगार मिलता, तो मोदी का गुणगान करता। आज कहाँ हो रहा है? आज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी लोग जो है आभार व्यक्त करते हैं, क्षेत्र के लोग, जनता, पूरे बिहार का लोग, कि यहाँ पर बिहार में जो भी विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद के वजह से बिहार में विकास हो रहा है। महागठबंधन का जो सरकार बना है तो उसके वजह से बिहार में विकास हो रहा है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जदयू विधायक मीना भारती। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 33% आरक्षण लागू किया, हम महिला के समर्थन में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ और महिलाओं के जिस तरह से आरक्षण देने का काम किया, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में आने वाला भविष्य में भी नहीं देखा जा रहा।